फ्रेंड्स देखो आज हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस एंड आंसर। देखो किस टाइप से आते हैं। सबसे पहले उसके पहले हम देखेंगे एक होता है डिस्टिंक्ट डिजिट। डिस्टिंक्ट डिजिट होता है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। इसमें प्रॉब्लम आ रहा था बच्चों को, मैं वो बताता हूँ डिस्टिंक्ट डिजिट होता है क्या। देखो डिस्टिंक्ट डिजिट, डिस्टिंक्ट का मीन्स होता है डिफरेंट, अलग अलग डिजिट। मीन्स जैसे आपको नंबर दे दिया 9926, ये कैसा डिजिट, डिस्टिंक्ट डिजिट नहीं है। डिस्टिंक्ट डिजिट का मीन्स है उसमें सभी डिजिट्स डिफरेंट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 1 2 3, सभी डिजिट अलग अलग है तो आपका डिस्टिंक्ट डिजिट हो गया। या फिर 926 ये भी डिस्टिंक्ट डिजिट हो गया, यस यस। या फिर 21638, सभी डिजिट क्या डिफरेंट है तो ये भी आपका डिस्टिंक्ट डिजिट नंबर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9262, ये आपका डिस्टिंक्ट डिजिट होगा, नहीं होगा, ये डिस्टिंक्ट डिजिट नंबर नहीं है। मींस देखो डिस्टिंक्ट डिजिट का मींस होता है सभी डिजिट डिफरेंट डिफरेंट हो, या डिस्टिंक्ट डिजिट नंबर होगा जिसमें सभी डिजिट डिफरेंट हो तो उसको डिस्टिंक्ट डिजिट नंबर कहते हैं। देखो मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बता देता हूं क्या आता है। जैसे आपको पूछ लिया जाए 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विथ डिस्टिंक्ट डिजिट, आपको क्या करना है, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, एंड वो भी कैसा, डिस्टिंक्ट डिजिट वाला। तो आप कैसे करोगे, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 100 होता है, बट ये नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट डिजिट वाला नंबर नहीं है। मीन इसमें क्या, 0 रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो आपका डिस्टिंक्ट डिजिट नंबर नहीं है। तो आपका 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, आपका होगा 102। आप इसको 012 नहीं कर सकते क्योंकि 0 पहले आ रहा था, इसमें 0 का यूज ही नहीं हो रहा, तो ये तो 2 डिजिट क्या माना जाएगा। यहाँ पे इसमें 3 डिजिट, तीनों डिजिट यूज हो रही है, 102 क्या हो जाएगा, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विथ डिस्टिंक्ट डिजिट। मैं नेक्स्ट जगह से रिलेटेड मैं आपको एक और बताता हूँ, तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, 102। एक और देखते हैं ग्रेटेस्ट, मतलब आप रिवर्स में नंबर राइट कर दो। जैसे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का यहाँ पे ग्रेटेस्ट बोल दे, 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर विथ डिस्टिंक्ट डिजिट, तो आपका हो गया आप 987, 3 डिजिट का हो गया। 4 का पूछेगा तो 9876 डिस्टिंक्ट डिजिट वाला, एंड 5 का पूछता है तो 98765, ये 5 डिजिट का हो गया। बट आपको स्मॉलेस्ट में क्या करना है, पहले 1, उसके बाद आप 0 ले लो, फिर बाकी नंबर ले लो, 1023, ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट डिस्टिंक्ट डिजिट नंबर हो गया। एंड 5 डिजिट का पूछ जाए तो 10234, ये 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर विथ डिस्टिंक्ट डिजिट हो गया। मीन डिस्टिंक्ट डिजिट का मीन्स क्या, सभी डिजिट डिफरेंट होने चाहिए अलग अलग, वो आपको डिस्टिंक्ट डिजिट नंबर होगा। अब देखो हम देखते हैं सिंप्लीफाई वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन थे वो किस टाइप से थे। देखो मैं आपको अप्रोक्स 10 क्वेश्चन करूंगा, सभी क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होंगे, वो आपको समझना है। देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया, इफ सम ऑफ 2 नंबर्स इज 60 इन विच 1 नंबर इज 12, देन फाइंड अदर नंबर। क्वेश्चन क्या है, इफ सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का सम कितना है, इज 60 है, इन विच 1 नंबर कितना है, 1 नंबर इज 12, देन फाइंड अदर नंबर। तो आपको पता है क्वेश्चन क्या दे रखा है, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इक्वल टू क्या दे रखा है, आपको 60 दे रखा है, ये लो 60। अब इसमें क्या बोला गया, फर्स्ट नंबर कितना है, इसमें इनमें से 1 नंबर कितना है, 12 है, तो फर्स्ट नंबर 12 कर दो प्लस सेकंड नंबर इक्वल टू 60। अब यहाँ पे आपका 12 प्लस का इधर ये माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर इक्वल टू 60 माइनस 12, तो सेकंड नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 60 माइनस 12 मीन 48 आपका सेकंड नंबर हो जाएगा। मींस इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो आपको क्या करना है, जब भी 2 नंबर्स का सम दे रखा है एंड उनमें से 1 नंबर दे रखा है, अदर नंबर फाइंड आउट करना है, तो आपको डायरेक्टली इस टाइप से करना है, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर का सम आपको दे रखा है, इसमें फर्स्ट नंबर दे रखा है, इसके पुट कर दो 12 प्लस सेकंड नंबर इक्वल टू 60। अब प्लस का 12 है, इजाजी क्या हो जाएगा, माइनस का 12, तो आपका सेकंड नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 माइनस 12, 60 माइनस 12 कितना होता है, 48। मीन्स आपका सेकंड नंबर कितना आ जाएगा, 48।
देखो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे, आपको कई बार बोलता है टू टाइम्स, ट्वाइस, थ्राइस, तो उसको आप कैसे करोगे? वन थर्ड, वन थर्ड का मीन्स क्या होता है? वन फोर्थ है। देखो आपको ये चीज बताया था, होता क्या है, देखो आपका एक तो ट्वाइस होता है, ट्वाइस का मीन्स टू टाइम्स, टू से मल्टीप्लाई करना होता ट्वाइस में, एक होता थ्राइस, थ्राइस का मीन्स थ्री टाइम्स, मीन थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, एंड एक होता आपका जैसे वन थर्ड हो गया, वन थर्ड का मीन्स क्या होता है वन अपॉन थ्री, आपको बोल रहे टू थर्ड, टू फोर्थ, थ्री फोर्थ, या फिर वन फिफ्थ, या टू फिफ्थ बोल रहे, टू फिफ्थ, इसका मीन्स क्या होता है टू अपॉन फाइव। तो आपको ध्यान रखना है ट्वाइस का मीन्स तो उसका टू टाइम्स होता है, जैसे टू का ट्वाइस क्या हो जाएगा टू मल्टीप्लाई टू फोर हो जाएगा, या टू टाइम्स टू को एड कर दो, या जैसे आपको बोल दे कि टेन का थ्री टाइम्स क्या हो जाएगा, टेन का थ्री टाइम्स क्या होगा टेन मल्टीप्लाई थ्री थर्टी हो जाएगा, या फिर आप क्या करोगे टेन प्लस टेन प्लस टेन, मीन्स देखो आपको ये बोल दे टेन टाइम और थ्री टाइम्स हो, आपको जो क्वेश्चन दे दिया थ्री टाइम्स ऑफ टेन, आप क्या करोगे थ्री टाइम्स ऑफ टेन, आप इसको ऐसे कर सकते हो टेन मल्टीप्लाई थ्री इक्वल टू थर्टी, या आप ऐसे कर सकते हो कि टेन को थ्री टाइम्स एड कर दो, टेन प्लस टेन प्लस टेन, देखो थ्री टाइम्स ऑफ टेन का मीन्स क्या होता है टेन को थ्री टाइम एड कर दो या टेन को थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, तो टेन इंटू थ्री आपका थर्टी आ गया, या आप इसको थ्री टाइम एड करोगे तो क्या होगा टेन प्लस टेन प्लस टेन इक्वल टू थर्टी, आप इस टाइप से कर सकते हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखो क्या होता है, एंड इसके पहले मैं आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट समझाता हूँ क्या है, अगर आपको किसी भी कंडीशन में अगर ये दे रखो इधर एक्स स्क्वायर दे रखो, इधर आपको जैसे 25 दे रखो, तो होता क्या है इधर स्क्वायर दे रखा है इधर ओनली नंबर दे रखा है, इधर से आप जैसे स्क्वायर को कैंसिल आउट करोगे मींस एक्स इज इक्वल टू इधर रूट लग जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है बेटे, दोबारा रिपीट कर देता हूँ है क्या कि मींस जैसे आपको कोई भी इधर नंबर दे रखा है इधर स्क्वायर में आ गया, मींस जैसे इधर एक्स स्क्वायर आ गया इधर आपको 16 दे रखा है, तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इधर तो स्क्वायर है इसको कैंसिल करते इधर क्या हो जाएगा रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा रूट, यहाँ पर जो कैसे हुआ मैं अगर इधर भी इसके रूट लगा दूंगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, इधर भी मैंने रूट लगा दिया इधर भी रूट लगा दिया, एक्स स्क्वायर का बाहर आएगा तो क्या आएगा एक्स इक्वल टू 16 का क्या हो जाएगा 4, या फिर आप ये डायरेक्टली बोल सकते हो कि आपको दे रखा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, आप यहां से स्क्वायर उठाओगे इधर रूट लग जाएगा मीन्स एक्स इक्वल टू 4 आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो क्या है, क्वेश्चन आ गया जैसे इसी टाइप का क्वेश्चन देख लेते, आपको क्वेश्चन दे रखा है मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू, मल्टीपल्स ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू आपको दे रखा है 80, इन विच वन नंबर इज, आपको वन नंबर दे रखा है कितना 10 दे रखा है, वन नंबर इज 10, देन फाइंड द अदर नंबर, मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स है उनका मल्टीप्लाई आपको क्या दे रखा है 80 दे रखा है, इन विच वन नंबर इज 10, उनमें से आपका वन नंबर कितना 10 है, देन फाइंड द अदर नंबर, तो आपको क्या दे रखा है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू आपको देगा कितना 80, इनमें क्या देगा इन विच वन नंबर इज 10, वन नंबर कितना है फर्स्ट नंबर कितना होगा 10 है मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू 80, तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास वन नंबर कितना 10 है तो 10 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो मीन्स क्या हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 10, 10 से 10 कैंसिल करो तो आपका सेकेंड नंबर कितना आ जाएगा 8। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आता है क्या करना है, मल्टीपल ऑफ टू नंबर इक्वल टू 80, टू नंबर्स का मल्टीपल क्या है 80 के इक्वल है, इन विच वन नंबर इज 10, उनमें से वन नंबर आपको 10 दे रखा है, देन फाइंड द अदर नंबर, आपको अदर नंबर फाइंड आउट करना है, तो क्या आपको क्या देगा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल टू 80, फर्स्ट नंबर दे रखा 10 तो उसके लिए 10 पुट कर दो इन टू सेकेंड नंबर इक्वल टू 80, तो सेकंड नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 डिवाइड बाय 10, मीन सेकंड नंबर आपका कितना आ गया 8 आ जाएगा, 8 इज आंसर। नेक्स्ट देखो
क्वेश्चन आ गया आपके पास, इफ 2/5 ऑफ ए नंबर इज 2/5 ऑफ ए नंबर इज 120, देन फाइंड द नंबर। इफ 2/5 ऑफ ए नंबर इज 120, 2/5 ऑफ ए नंबर इज 120, देन फाइंड द नंबर। अब आपको पहले नंबर लेट करना, नंबर हमने लेट कर लिया, लेट आपका नंबर क्या है, एक्स है। अभी 120 क्या है, उस नंबर का 2/5 के इक्वल है, तो देखो इसका 2/5 क्या हो जाएगा, 2/5 क्या हो जाएगा, 2/5 मल्टीप्लाई एक्स, तो 2 को एक्स से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2x/5। देखो नंबर क्या हमारे पास एक्स है, उसका 2/5 क्या हो जाएगा, 2/5 मल्टीप्लाई एक्स, 2/5 मल्टीप्लाई एक्स, तो 2 को एक्स से मल्टीप्लाई किया 2x/5, ये आपका 2, इस नंबर का क्या हो गया 2/5 हो गया। एंड 2/5 तो किसके इक्वल है, 120 की इक्वल, तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x/5 इक्वल टू 120/1। अब आप चाहो तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में है, तो इधर डिवाइड में ले आओ, या फिर इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट कर लो, या फिर आप क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2x को तो 1 से किया तो क्या आ गया आपका 2x, 120 को किससे कर देंगे 5 से, तो आपका x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 120/5/2, 2 से 120 में डिवाइड दो कितने टाइम, 60 टाइम, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60/5, 60/5 क्या हो गया, 6/5 30 एंड 0 का 0, तो आपका नंबर क्या आ गया 300 आपका नंबर आ जाएगा, तो आपको 300 क्या आ गया नंबर आ गया। तो दोबारा रिपीट करता हूं आपको, क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ 2/5 ऑफ ए नंबर इज 120, किसी नंबर का 2/5 क्या 120 के इक्वल है, देन फाइंड द नंबर, तो नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लेट किया, लेट नंबर कितना आपका एक्स है, एक्स का 2/5 कितना हो जाएगा 2/5 × x, तो कितना हो गया 2x/5, एंड यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नंबर उसका 2/5 किसके इक्वल है 120 के, तो 2x/5 इक्वल टू 120, तो कितना हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2x को 1 से किया तो 2x इक्वल टू 120 को 5 से 120/5, तो क्या हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 120 कितना हो गया 2x इक्वल टू 120/5, तो यहाँ पे देखो ये 2 मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 120/5 डिवाइड बाई 2, 2 से 120 में डिवाइड देंगे 60 टाइम, 60/5, तो नंबर क्या आ गया आपका 300 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो इसके बाद, फाइंड 4/5 सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड आपको फाइंड करना है 4/5 ऑफ 2000 का 4/5 फाइंड आउट करना है, कैसे करोगे आप, वही सिंपल है, 4/5 का मीन्स 4/5 ऑफ 2000, देखो आपको लैंग्वेज समझना है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड 4/5 ऑफ 2000 का 4/5 फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा 4/5 ऑफ 2000, तो कितना हो गया 4/5 ऑफ पॉइंट मल्टीप्लाई 2000, अरे आप देखो 5 का डिवाइड, इसमें डिवाइड जा रहा है 4 टाइम एंड 00 का 00, तो 4/400 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1600। दोबारा समझो, फाइंड 4/5 ऑफ 2000, आपको 4/5 फाइंड आउट करना किसका 2000 का, तो क्या हो जाएगा 4/5 ऑफ 2000, तो कितना हो गया 4/5 × 2000, 5 से इसमें डिवाइड देंगे 20 में 4 टाइम 00 का 00, तो 4/400 इक्वल टू कितना हो गया 4/4 = 16, 00 का 00 1600 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो इसके बाद, क्वेश्चन आ गया, इफ ट्वाइस ऑफ ए नंबर इज 300, देन फाइंड द नंबर, क्वेश्चन क्या दे रखा है,
इफ ट्वाइस वो पे नंबर इज 300, कोई नंबर है उसका ट्वाइस कितना है 300 है, देन फाइंड द नंबर, तो आपको नंबर फाइंड आउट करना। तो देखो कैसे करेंगे, लेट कर लो, लेट द नंबर कितना आपका एक्स है, नंबर क्या एक्स, अब एक्स का ट्वाइस क्या होगा 2x, ट्वाइस क्या होगा एक्स का ट्वाइस क्या हो गया 2x, एंड ट्वाइस वो किसके इक्वल है 300 के, ट्वाइस वो पे नंबर इज इक्वल टू 300, देन फाइंड द नंबर, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू आपको 300 दे रखा है, तो अब ये 2 मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा आपका डिवाइड, तो मींस क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 300 अपॉन 2, मींस x इज इक्वल टू देखो 2 का डिवाइड इसमें 150, तो मींस आपका नंबर क्या है 150 इज करेक्ट आंसर। देखो नेक्स्ट वो देखते थे क्वेश्चन क्या था, इफ ट्वाइस वहां पे नंबर इज 300 देन फाइंड द नंबर, कोई नंबर उसका ट्वाइस कितना 300 है, देन फाइंड द नंबर, तो नंबर आपको फाइंड आउट करना है। लेट द नंबर भी क्या है एक्स है, नंबर क्या आपका एक्स है, तो उसका ट्वाइस कितना होगा 2x, एंड तो ट्वाइस जो किसके इक्वल है 300 के, तो 2x इक्वल टू 300, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 300, ये 2 मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ जाएगा 300 अपॉन 2, तो आपका x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 150 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, देखो आपके पास मैंने आपको अभी बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जैसे x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर आएगा, एंड अगर x में x को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2x आएगा, इंपॉर्टेंट बेटा ध्यान रखना है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, एंड x में x को ऐड करेंगे तो 2x आएगा। देखो यहां पे नेक्स्ट मैं आपको बता दूं इस टाइप का, एंड मैंने आपको ये भी बताया था अभी, अगर इधर आपको स्क्वायर दे रखा है, जैसे क्वेश्चन में आ जाता है x स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 100 आ गया, तो आप क्या करोगे बोथ साइड आप रूट कर सकते हो, तो इसका भी रूट करूंगा इसका भी रूट करूंगा, देखो इसका रूट कर दिया मैंने या फिर इधर से कैंसिल करके इधर रूट लगा दो आप डायरेक्ट, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 100 का मीन्स क्या हो गया 10, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखो इस टाइप का इक्वेशन बताता हूं आपको, देखो ये है एक मल्टीपल और टू नंबर इक्वल टू 300 इन विच वन नंबर इज ट्वाइस टू अदर, देन फाइंड नंबर। क्वेश्चन क्या है, इफ मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर का मल्टीप्लाई किसके इक्वल है 300 के इक्वल है, इन विच वन नंबर इज ट्वाइस टू अदर, वन नंबर क्या दूसरे के ट्वाइस है, मींस एक नंबर एक्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो देन फाइंड द बोथ नंबर्स, तो आपको दोनों नंबर फाइंड आउट करने। तो देखो आप यहां क्या करेंगे, प्लेट कर लिया कि आपका फर्स्ट नंबर कितना है एक्स है, तो देखो सेकंड क्या होगा उसका ट्वाइस है, तो एक्स का ट्वाइस क्या होता है 2x, क्या हो जाएगा 2x, एंड अब देखो दोनों का मल्टीप्लाई क्या देगा आपको, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू कितना देगा आपको 300, आपका फर्स्ट नंबर कितना है x मल्टीप्लाई सेकंड नंबर कितना है 2x इज इक्वल टू 300, इसको आप 1x बोल सकते हो, तो 1 इंटू 2 तो क्या हो गया 2, x को x से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 300 आ गया आपका। अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा आपका डिवाइड, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 2, अब देखो 2 का डिवाइड इसमें कितना टाइम 150 टाइम, कितने टाइम 150 टाइम, तो देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 150, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 150, तो देखो यहां पे मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 150 है, इधर से स्क्वायर को मैं रिमूव करूंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा रूट लग जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट 150, एंड अभी 6 क्लास वाले बच्चे हैं, हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट भी पढ़ा नहीं चैप्टर, बाकी हमको बताया तो रूट पे 150 इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि 2 के पेयर बनते हैं रूट के बाहर आता है, तो 150 का फैक्टर करोगे तो 150 के फैक्टर देखो क्या होते हैं, पहले 2 का डिवाइड जा रहा है कितना, 2 का डिवाइड 75 टाइम, फिर 2 का नहीं जाएगा 3 का जाएगा 25 टाइम, फिर 5 पर जाएगा 5 टाइम, फिर 5 पर जाएगा 1 टाइम,
तो कितना आ जाएगा आपका, देखो इसके फैक्टर क्या हो गए, एक्स इज इक्वल टू रूट में 2 3 या 6 6 5 6 5 या, ओ सॉरी मैंने मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, 150 में 75, 75 में 3 का डिवाइड, करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है, 2 × 3 × 5 × 5 कितना आ गया, 2 × 3 × 5 × 5 अब वो 5 और 5 का पेयर बन गया, जिसका पेयर बन जाएगा वो बाहर आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू आपका ये बाहर आ गया 5 एंड रूट में क्या रहेगा 2 3 6, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 5 √6, तो आपका एक नंबर तो क्या आ गया 5 √6 एंड अदर कितना आएगा 2x मीन 2 × 5 √6 कितना आएगा 2 5 10 √6 और 5 √6 ये आपके नंबर आ जाएंगे। एंड मैंने आपको एक चीज पहले बताया था कि अगर आप रूट में कोई नंबर दे रखा है, देखो ये एक बार रिपीट करता हूं फिर बाद में बताता हूं, इफ मल्टीपल ऑफ टू नंबर इक्वल टू 300, टू नंबर का मल्टीपल किसके इक्वल है 300 के इक्वल है, इन विच वन नंबर इज ट्वाइस टू अदर, वन नंबर क्या दूसरे के ट्वाइस है, देन फाइंड द बोथ नंबर, जैसे फर्स्ट नंबर में ले लिया एक्स, सेकंड क्या हो जाएगा ट्वाइस टू एक्स, एंड आपको देगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर कितना 300, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर एक्स मल्टीप्लाई टू एक्स इक्वल टू 300, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स इंटू टू एक्स स्क्वायर, सो टू एक्स कितना हो जाएगा 1 × 2 एंड एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 300, इधर 2 मल्टीप्लाई में क्या हो गया डिवाइड, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 300/2, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 150, मैंने आपको बताया इधर स्क्वायर को रिमूव करूंगा तो इधर रूट लग जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया √150, मीन्स एक्स इज इक्वल टू √150, इसके फैक्टर की 2 × 3 × 5 × 5, अब रूट के अंदर जो पेयर में होता है वो सिंगल बाहर आएगा, बाकी ऐसे कैसे रहेगा, तो दोनों सिंगल थे अंदर लेंगे, 5 5 का पेयर बन गया तो 5 बाहर आ गया, 2 × 3 √6 हो गया, तो x इज इक्वल टू 5 √6, मीन्स आपका फर्स्ट नंबर से कितना आ गया 5 √6, सेकंड कितना आ गया 2x है 2 × 5 √6, तो 2 5 10 √6, देखो मैं आपको बताता हूँ, अब जैसे इसके अलावा देखो एक इसी टाइप का एक और आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, क्या दे रखा है क्वेश्चन दे रखा है, इफ मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 400, इफ उसी टाइप का सेम क्वेश्चन मैं आपको एक बार एक और समझा रहा हूं, इफ मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 400 इन विच वन नंबर इज 4 times टू अदर, then find both number, question क्या है, if multiple of two number equal to 400, two number का multiple किसके equal है 400 के, in which one number is 4 times to other, one number क्या है other के 4 times है, then find the both number, या फिर then find the sum of both numbers पूछ सकता आपको, तो देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, वही आप फर्स्ट नंबर लेट कर लेता हूँ x, सेकंड कितना होगा देखो 4 times का means क्या होता है 4 से multiply कर दो, तो इसका 4 times कितना हो जाएगा x का 4x, कितना हो जाएगा 4x, अब आपको क्या दे रखा है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 400, मींस फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर आपको कितना दे रखा है 400 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे फर्स्ट नंबर की जगह x इंटू सेकंड नंबर की जगह 4x इक्वल टू 400, यहाँ पे 1 × 4 से क्या हो गया 4x इंटू x एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, क्लियर, अब यहाँ पे देखो 4 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा डिवाइड, तो मींस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400/4, अब 400 में 4 का डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100, 400 में 4 का डिवाइड कितना टाइम 100 टाइम, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 100, अब देखो इधर सोल्व करता हूं इसको, क्या दे रखा था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर को रिमूव करूंगा इधर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा स्क्वायर रूट, ये मैंने इसको रिमूव किया तो इधर एक्स एंड इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट लग जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, इधर स्क्वायर दे रखा है इधर नंबर दे रखा है, अगर इधर से आप स्क्वायर को रिमूव करोगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया एक्स के स्क्वायर हटा दिया मैंने इक्वल टू इधर रूट लग गया 100, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 10, मीन्स आपका फर्स्ट नंबर कितना आ गया एक्स है तो मीन्स 10 आ गया, सेकेंड नंबर कितना 4x मीन्स 4
मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 40, ये आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ये आपका सेकंड नंबर हो जाएगा। मैं तो रिपीट कर दो उसको एक बार समझना, एक मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स है जिनका मल्टीपल किसके इक्वल है 400 के, इन विच वन नंबर इज फोर टाइम्स टू अदर, वन नंबर क्या है फोर टाइम्स है अदर नंबर के, देन फाइंड द बोथ नंबर, आपको बोथ नंबर पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, या फिर ये भी पूछ सकता है देन फाइंड द सम ऑफ बोथ नंबर, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 10 + 40, आपका क्या हो जाएगा 50। तो यहाँ पे हमने लेट क्या किया, लेट फर्स्ट नंबर आपका एक्स है, तो सेकंड नंबर क्या है उसका फोर टाइम्स है, तो एक्स का फोर टाइम्स कितना हो गया 4x, एंड दे के रखा आपको फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू 400। अब फर्स्ट नंबर की जगह मैंने एक्स पुट कर दिया, सेकंड नंबर की जगह मैंने 4x पुट कर दिया इक्वल टू 400। अब देखो ये यहाँ पे एक्स सॉरी यहाँ पे 1x हो गया एक तरह से, एक्स है तो मीन इसको 1x भी आप बोल सकते हो, तो पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किया 1 4 4, एंड एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर एक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे एक्स से तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, हम एलजेब्रा में पढ़ेंगे लेकिन आपको भी ध्यान रखना है, एंड अगर एक्स में एक्स को एड करेंगे तो क्या आएगा 2x। ये तो मैंने आपको जो मैथमेटिक्स इंपोर्टेंट रूल वीडियो था उसके अंदर समझा दिया था कि अगर ये लाइक है दोनों लाइक है, लाइक में लाइक एड होता है, मल्टीप्लाई में चाहे लाइक अनलाइक दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, बाकी लाइक में लाइक एड होता है एंड लाइक से लाइक ही सबट्रैक्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये भी एक्स ये भी एक्स दोनों एड हो जाएंगे 2x, तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। अभी 4 क्या आपके यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ गया, तो इधर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400/4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 में 4 का डिवाइड किया 100 टाइम, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है अगर इधर से मैं स्क्वायर कैंसिल आउट करता हूँ तो इधर रूट लग जाएगा, तो एक्स इक्वल टू रूट 100, तो एक्स इक्वल टू रूट 100 का वैल्यू कितना होगा 10। तो आपका फर्स्ट नंबर कितना है x था मींस 10 आ गया, सेकंड नंबर कितना था 4x था मींस 4 × 10 = 40 आ गया, मींस ये आपके दोनों नंबर के 10 है 40 आपका करेक्ट आंसर। देखो इसके बाद एक और समझाता हूं मैं आपको इसी टाइप का क्वेश्चन, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया इफ 2/5 If 2/5 of a number is 60, then find half of the number. Question क्या है? If 2/5 of a number is 60, number का 2/5 कितना है? 60 है. Then find half of the number. Then find half of the number, तो उस नंबर का हाफ आपको फाइंड आउट करना, मीन्स 1/2 आपको उसका फाइंड करना हाफ। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर कितना आपका एक्स है, तो एक्स का 2/5 कितना है 60 है, तो देखो इस नंबर का 2/5 कितना हो जाएगा 2x/5 होगा, एंड जो 2/5 है वो किसके इक्वल है 60 है, मींस 2x/5 = 60 आपको दे रखा है। आप चाहो तो 2 से डायरेक्ट ऊपर के ऊपर इसको कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि 2x के इधर मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 से ये कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, ऊपर से ऊपर आप कैंसिल आउट कर सकते हो जब ये मल्टीप्लाई में दे रखा हो, तो इधर कितना हो गया x/5 = 30/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स को 1 से करूंगा एक्स, 5 को 30 से करूंगा 5 × 30, एक्स का एक्स 5 × 30 कितना हो जाएगा 150, तो आपका नंबर कितना आ गया 150, बट आपको फाइंड क्या करना था, फाइंड हाफ ऑफ द नंबर, जो नंबर है उसका हाफ फाइंड आउट करना, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, देखो हाफ का मीन्स 1/2 और एक्स, एक्स कितना आपके पास 150, तो 1/2 × 150, 2 से 75 times, तो आपका नंबर नंबर तो कितना है 150, एंड हाफ कितना हो जाएगा इसका, हाफ ऑफ नंबर कितना आ जाएगा 75, ये पूछा था, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड और अभी नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस। ओके।